الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں یوں فرمایا کہ وقت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے بہت قیمتی سرمایہ ہے کیونکہ جو وقت ہاتھ سے چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر آتا نہیں ہے میری زندگی کے 31 سال گزر گئے میں جتنی کوشش کروں محنت کروں چاہے جتنی مرضی پیسہ خرچ کروں ساری ساری رات تہجد میں رہوں تڑپوں لیکن یہ 31 سال واپس آنے والے نہیں آپ میں سے کسی کے 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 سال گزر گئے لیکن وہ فرمایا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں بھائی ایک جانور ہے وہ مر جائے اب وہ اپنا چارہ کھا نہیں سکتا ابھی ہمارے سامنے دنیا بھر کی قیمتی قیمتی نعمتیں رکھی جائے ہم استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا انتقال ہو جائے پھر چاہے 100 قسم کی ورائٹیز رکھی ہوں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے
जब वक्त चला जाएगा, जब मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे, उस वक्त तो कब्र में बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है कि एक काश मैं भी कुछ वक्त अपने अल्लाह के लिए निकाल लेता, आखिरत को बना लेता, अल्लाह से सुलह कर लेता, अल्लाह से दोस्ती कर लेता, अल्लाह से यादी लगा लेता। एक पारा पढ़ता था, कुछ डेढ़ पारा पढ़ लेता, डेढ़ पारा पढ़ता था, दो पारे पढ़ लेता, थोड़ा सा मैं भी पाबंदी से अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा देता, महीने में तीन दिन चला जाता। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो हमारे बड़ों की चाहत के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक वक्त लगाते हैं, और एक वो लोग हैं जो अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त लगाते हैं। दो किस्म के लोग हैं। जो तरतीब से वक्त लगाते हैं उनकी तो तरबियत होती है, उनका वक्त सही गुजरता है। एक वक्त आता है अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी बनाते हैं और आखिरत भी बनाते हैं। और कुछ लोग वो है जो तरतीब से वक्त नहीं लगाते बल्कि अपनी सहूलत से, मैं जब फ्री हूं, जब मेरे कारोबार में मंदी हो, जब मेरा दुनिया का कोई कामकाज ना हो, तब मेरे पास अल्लाह के लिए वक्त है, वरना मेरे अहम वक्त में से मेरे पास अल्लाह के लिए नऊज़ुबिल्लाह वक्त नहीं। यूं फरमाया, उनको बरकत तो मिल जाती है, तरबियत नहीं होती। अच्छा, वक्त दोनों का गुजर जाता है। जो तरतीब से वक्त लगाते हैं, जिंदगियां उनकी भी गुजर रही है बड़ी सुकून से, इत्मीनान से, बरकतों से, और जो अपनी सहूलत से वक्त लगाते हैं वो जिंदगी उनकी भी गुजर रही है। यूं फरमाया, ये जिंदगी तो गुजर जाती है, ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त थमता नहीं। इसलिए फरमाया, वक्त की कदर करो। अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है, अल्लाह को राजी करना चाहता है, बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करना चाहता है, इस आजिज की एक बात याद रखना, जब तक वक्त की कदर नहीं करोगे वहां तक कोई बड़ा सरमाया हाथ नहीं लगने वाला। जितने अल्लाह वाले हैं ये सब वक्त की बड़ी कदर करते थे, बहुत ज्यादा अपने वक्त को वसूल करते थे, उनका पूरा एक निजामुल औकात बना हुआ था वक्त को वसूल करने का। यूं फरमाया कि एक सेकंड की कदर उनसे पूछो जिनका एक सेकंड के लिए एक्सीडेंट होते होते बच जाता। गुजर रहा था, एक सेकंड के लिए बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, या तो बाइक पर हो, या कार पर हो, या चलकर जा रहा हो, बिल्कुल करीब से बस गुजर गई एक सेकंड के लिए। उसको पूछो एक सेकंड कितने कीमती है। मुझे बहुत अच्छी तरीके पर याद है, सूरत में एक मस्जिद में मुझे जुमा में बयान के लिए आना था। तकरीबन कर्नाटक के सफर से वापस हो रहा था, शायद मस्जिद हीरा में। 30 सेकंड के लिए मैं ट्रेन चुक गया। बस मेरे सामने से ट्रेन गुजर रही है, इतना है कि लोगों ने मुझे आवाज दी कि ना अभी ना बैठो, गिरने का खतरा है। और उसका जो मैंने खामियाजा भुगता, लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ी, विरार के करीब आना पड़ा, फिर पता चला कि वहां इस नाम की कोई ट्रेन नहीं है, और मैं 2 बजे अपने घर पहुंचा, न सूरत आ सका, न मस्जिद हीरा में आ सका, न मुझे जुमा मिल सका। उस वक्त एहसास हुआ कि 30 सेकंड कितनी कीमत रखती है इंसान की जिंदगी। एक बुजुर्ग का एक मुल्क का सफर था, तो तकरीबन वो 1 मिनट के लिए फ्लाइट चुके थे। वो कैसे चुके?
फ्लाइट खड़ा हुआ है, सीट भी उनकी बुक है, टिकट भी उनके पास मौजूद है, आगे का पूरा प्रोग्राम भी बना हुआ है, बस यह है कि फ्लाइट का डोर क्लोज हो गया। हजरत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मन्नत समाजत कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, भाई साहब बहुत अहम प्रोग्राम है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप जो है फ्लाइट का दरवाजा खोल दें। आपको किसको जवाब देना है, मेरी सीट भी बुक है, टिकट भी मेरे पास है, मेरा लगेज भी इस फ्लाइट में जा चुका है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप बताएं मैं क्या कर सकता हूं। कहा कि सर पहले आपसे हम माफी चाहते हैं, आप जितना मर्जी खर्च करो, जो मर्जी करो, एक कायदा है सरकार का कि फ्लाइट का डोर एक मर्तबा क्लोज हो जाए फिर वो ओपन नहीं हुआ करता, मफतूह नहीं हुआ करता, खुला नहीं करता। आप जितनी मर्जी हमें समझा लें, जितनी मर्जी आप मन्नत समाजत कर लें, जितनी मर्जी आप रिक्वेस्ट कर लें, ये फ्लाइट का दरवाजा अब आपके लिए नहीं खुल सकता। जिन दिनों मेरी और आपकी आखिरी घड़ियां होगी, मलकुल मौत आ जाएंगे और जब रूह कब्ज करने लगेंगे, उस वक्त इंसान तड़प रहा होगा, कांप रहा होगा, उसको पता है अब नतीजा आने वाला है सामने। एग्जाम में पता नहीं चलता है, इंसान पंखे के नीचे बैठा होता है, सही लिखे गलत लिखे दोनों देखने में बराबर लगते हैं, लेकिन यह बात जरूर है सही लिखने वाले को यह पता होता है कि इंशाअल्लाह जब रिजल्ट आएगा ना तो कामयाबी कदम चूमेगी, और गलत लिखने वाले को यह पता होता है अभी तो मैं बैठा हुआ हूं पंखे के नीचे, आराम से हूं, कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि स्कूल में मेहनत से पढ़ा नहीं था, ट्यूशन गया नहीं था, अपनी मस्ती में मस्त था और वहां के रूल्स को फॉलो नहीं किया था, मैं रात में पढ़ने नहीं बैठा था, इसलिए मेरा रिजल्ट बुरा आने वाला है, यह चीज उसको अंदर से सताती है, उसको अंदर से बेचैन रखती है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अल्लाह के फरमा बरदार हैं, उनका दिल मुतमईन है कि मैं कैसा भी हूं बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन अल्लाह मुझे 5 वक्त मस्जिद में लाता है, कुछ जिक्र वगैरह करवा देता है, उम्मीद है कोई अदा अल्लाह पसंद कर ले, ऐसी है तो नहीं कि अल्लाह को पसंद आ जाए, लेकिन उम्मीद है अल्लाह को जरूर रहम आएगा, इसीलिए वो मुझे 5 वक्त मस्जिद में आने की तौफीक देता है, यही तो वजह है वो फजर की नमाज में जब दुनिया मीठी नींद सो रही होती है, अंधेरा छाया हुआ होता है, उस वक्त मेरा अल्लाह मुझे उठा देता है और बिस्तर मुझे उछाल देता है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो, हर हाल में अल्लाह मुझे मस्जिद में लाते हैं और मैं अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुकाता हूं, ये इस बात की अलामत है, उम्मीद है कि अल्लाह मौत के वक्त उस पर रहम फरमाए। अगर रहम नहीं करना होता तो शायद फजर की नमाज की तौफीक न दे। जोहर की नमाज पढ़ना आसान है, एक माहौल बना हुआ है, दुकान का माहौल है, शेड्यूल है, अब्बा भी कहते हैं चल बेटा तू इस मस्जिद में पढ़ ले, मैं यहां पढ़ लूंगा, मुलाजिम से भी कहते हैं आपको यहां पढ़नी होगी, तो 4 वक्त की नमाज है, एक माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। लेकिन फजर की नमाज जहां इंसान को कोई नहीं देखता, वो और उसका अल्लाह, रात की तन्हाई है, मीठी नींद आ रही है, फजर की नमाज में बहुत ज्यादा मीठी नींद आती है, और वो ऐसी मीठी नींद होती है जो इंसान को अलार्म बंद करने पर मजबूर करती है। शैतान भी बड़ा चालाक है, ये नहीं कहता तू फजर की नमाज छोड़ दे, वो यूं कहता है जमात के वक्त में 10 मिनट बाकी है, बस तू 10 मिनट आराम कर ले, वो 10 मिनट की तश्कील करता है, और ये 10 मिनट की तश्कील में हमारी सुन्नत तब होती है जब फजर की नमाज खड़ी होती है। हालांकि नमाज खड़ी हो उस वक्त सुन्नत पढ़ना एक मुस्तकिल मसला है,
आप कहेंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहां तो आखिरी कायदा मिलने की उम्मीद हो तब भी फजर की सुन्नत पढ़ लेनी चाहिए, वो कभी कभार होता, उसकी आदत बना ले तब नहीं। एक छोटा गुना भी बार बार करने से बड़ा गुना हो जाता है। ये तो बंदा इसकी आदत बना लेता है कि 10 मिनट तक मैं इमाम साहब के पीछे खड़ा रहूं, इससे तो बेहतर है कि मैं 2 रकात सुन्नत इत्मीनान से पढ़ूं और कायदे में शरीक हो जाऊं और 2 मिनट में फिर सलाम फेर कर मैं अपने घर में चला जाऊं। पहले जमाने में मुनाफिकीन लोग भी मस्जिद में आते थे, प्यारे नबी के जमाने में ऐसा माहौल बना हुआ था कि मुनाफिक की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो नमाज छोड़ दे। इसीलिए फरमाया कि मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसा कि परिंदा पिंजरे में। परिंदा पिंजरे में हिलता ही रहता है, उसको चैन नहीं पड़ता, फड़फड़ाता है, तड़पता है, सोचता है कि कब पिंजरा खुले और मैं उड़ जाऊं। ये मुनाफिकीन वाली सिफत है कि इंसान यूं सोचे मैं सबसे आखिर में मस्जिद में आऊं और कब सलाम फिरे कि मैं मस्जिद से चला जाऊं। उसका मस्जिद में बैठने को, अल्लाह के घर में बैठने को, अल्लाह से मांगने को उसका दिल नहीं करता। इसलिए फरमाया कि एक चीज को अपनी आदत में से बनाओ। क्या बनाए? कि जब भी हम इंशाअल्लाह मस्जिद में आएंगे, फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ईशा की नमाज हो, जब सब नमाज खत्म हो जाएगी सुन्नत वगैरह, तो हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, जरूर अपने अल्लाह से भीख मांगकर ही जाएंगे। एक ग्राहक हमारी दुकान पर आए और उस माल की हम उसको फजीलत बयान करते रहे, ये इस क्वालिटी का है, इस कैटेगरी का है, इतना अच्छा है, इतना शानदार है, यहां का बना हुआ है, एक घंटे तक माल की तारीफ की और बेचा नहीं माल। दुकान वाले कहते हैं ये अच्छा सेल्समैन आदमी नहीं, ये समझदार नहीं। समझदार तो तब होता जब 10 मिनट बात करके माल बेच देता, पैसा ले लेता और कुछ मुनाफा हासिल कर लेता। इसीलिए कहते हैं कि ये बात बड़ी अच्छी करता है लेकिन चीज बेचने की सलाहियत इसके पास नहीं है। फिर उसका शुमार, उसका शुमार सेल्समैन में नहीं होता है, फिर वो आदमी चाय लाने के काम लगता है, कांच की सफाई के काम लगता है, घड़ी वाले के काम लगता है। सबसे ज्यादा दुकान में काम भी यही बंदा करता है, सबकी ज्यादा बोली भी यही बंदा सुनता है, सबसे ज्यादा परेशान भी यही होता है और सबसे कम तनख्वाह भी इसी की होती है। सुबह सबसे जल्दी यही दुकान पर आता है, सबसे आखिर में यही जाता है। सारी कुर्बानियों के बावजूद इसकी तनख्वाह 5,000। क्यों? दिल दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ हाथ इस्तेमाल करता है। एक आदमी आ रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उठक बैठक कर रहा है, दिल का इस्तेमाल नहीं करता कि मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूं, अल्लाह मुझे ले आए हैं, दुनिया के जमीनों से ले आए हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है और बेहयाई, फहाशी और उरियानियत का माहौल है और मोबाइल का दौर दौरा है और इंटरनेट की फरावानी है और गुनाहों के बाजार गर्म है, मेरे गुनाहों के बावजूद, गफलत के बावजूद मेरे रब ने मुझ पर करम किया है और मुझे मस्जिद में ले आए हैं और वुजू भी करवा दिया है और अपने घर में उस रब ने हमें खड़ा भी करवा दिया है और हमने अल्लाहु अकबर भी कह दिया है और अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जे है, उसको कि बंदा जहां से आया था फिर वहीं के ख्यालों में डूब जाता है। जिस दुनिया से अल्लाह ने इसको निकाल के अपने घर में लाया, इसको सुकून दिया, इत्मीनान दिया, अल्लाह के घर में अजीब व गरीब सुकून मिलता है। अभी हम यहां बैठे हुए हैं,
ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल हम लोग हैं, कोई टेंशन नहीं। बहुत से हजरात का अभी खाना बाकी होगा, कुछ काम होगा, किसी को कहीं जाना होगा, हमें भी नुकसानी जाना है, लेकिन वो चीजें याद ही नहीं आ रही है। क्या बात है, सुकून मिल रहा है, सकीना नाजिल हो रही है, अल्लाह ताला चैन सुकून अता फरमा रहे हैं। ये अल्लाह के घर की रहमतें हैं, बरकतें हैं, और अल्लाह का शाही दरबार है। यहां अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं नवाजने के लिए, देने के लिए, लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम आते तो है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन मांगे बगैर चले जाते हैं। इसलिए फरमा मांग करके जाओ, इस बात को तय करनी है। ये जो इस्लाही मजलिस हो रही है, ये जो बयानात हो रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बात हम सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें, कुछ बात अपने पल्लू में बांध ले और लेकर के जाए कि आज की मजलिस में बयान कैसा हुआ, इस पर मुझे तवज्जो नहीं देनी। बयान हमेशा अच्छा ही होता है, अल्लाह के दीन की बात कभी भी बुरी होती नहीं है, वो कोई भी आदमी करे, अल्लाह के दीन की बात तो अच्छी होती है, लेकिन मुझे अमल करना है, मुझे अपनी जिंदगी को चेंज करना है, मुझे अल्लाह की तरफ आना है, रुजू इलल्लाह और इनामत इलल्लाह करना है। इंसान को चाहिए कि वो इस बात को तय करे। आज की मजलिस में क्या बेहतर हो कि मैं और आप इस बात को तय करें कि इंशाल्लाह सुम्म इंशाल्लाह हर नमाज में हम आएंगे ना, चार पांच मिनट जरूर अल्लाह से भीख मांग कर गए, फिर देखना जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यूं फरमाया कि दुआओं का रंग नहीं होता, यूं फरमाया कि दुआओं का रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा, अल्लाह वाले कहते हैं कि अपने अल्लाह के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। सब लोग अच्छे दिन की तलाश में, यूं फरमाया कि जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके अच्छे दिन आया नहीं करते, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो पूरे दिन उसके करीब से गुजरा नहीं करते। अल्लाह के लिए वक्त होना बड़ी अहम चीज है। हजरत फरमाते हैं, मैं समझाता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, उन्होंने मेरी एक बात न मानी। एक मिनट के लिए मैं फ्लाइट चूक गया, सारे प्रोग्राम आगे पीछे हो गए। उस वक्त पता चला कि एक मिनट जिंदगी पे कितनी कीमत रखती है। जिस मां के यहां बच्चा एक महीने पहले आ जाता है, नौवे महीने आता, सही सालिम होता, तंदुरुस्त होता, बेऐब होता, कोई तकलीफ नहीं होती, उसको कांच की पेटी में रखना नहीं पड़ता, सांस की तकलीफ नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक दर्द हुआ, एक महीने पहले बच्चा आ गया, बच्चा कमजोर हुआ, कोई ऐबदार हुआ, उस माँ को पूछो, पूरी जिंदगी उसको सदमा रहता है, काश एक महीने बाद और बच्चा आया होता। और साल की कदर उनसे पूछो जो बेचारे फेल हो जाते, और उन्हें वो साल दोबारा रिपीट करना पड़ता है, उनसे पूछो। हमारे डाबेल में एग्जाम होती है, इम्तिहान होता है, आलिम क्लास में, उसमें एक अजीब और गरीब शर्त है, कोई बच्चा सप्लीमेंट्री पर अपना नाम नहीं लिख सकता। अगर किसी ने नाम लिख दिया तो यह मदरसे की तरफ से बहुत बड़ा जुर्म शुमार किया जाएगा, और हो सकता है उसी वक्त उस बच्चे को मदरसे से निकाल दिया जाए, नाम नहीं।
वो मोहतरम साहब उसको बता देंगे कि तेरा नंबर 68 जब भी तेरी सप्लीमेंट्री आए तेरे सिर्फ 68 नंबर लिखना है, 68 लिखना है और कुछ नहीं, ताकि जो उस्ताद पर्चे चेक कर रहे हैं उनको यह ना पता चले कि यह बच्चा कौन है, यह मेरी खिदमत करता है वो है या कौन है, यह मेरा बेटा है या कौन है, यह मेरा रिश्तेदार है या कौन है, यह पहली सफ का बच्चा है या कौन है, इसको कुछ नहीं आता ये वो बच्चा है या कौन है, कुछ पता ना चले। कभी ऐसा होता है एक बच्चे को बहुत कुछ आता है, एक दिन उसकी छुट्टी हुई थी वही सवाल एग्जाम में आ गया, अब उसको वो सवाल आता नहीं, उस्ताद को पता चल जाए तो उस्ताद क्या सोचते हैं कि ये बच्चा तो जो है बड़ा होशियार है, वो तो एक आध गलती से उसको नहीं आ रहा है इसलिए इसको अच्छे नंबर दे दो। और जिस बच्चे को कुछ ना आता हो, एक दिन का सबक उसने अच्छी तरह सुना हो, वही सवाल आ गया एग्जाम में, तो उस्ताद क्या सोचेगा कि यार ये तो इसको तो कुछ याद नहीं होता, ये तो एक आध सवाल इसको आ गया इसको कम नंबर। हालांकि उस्ताद ऐसा करते नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है इस इहतमाल की वजह से एक कायदा बयान किया कि यूं फरमाया कि सप्लीमेंट्री पर और जो पर्चा लिख रहे हैं उस पर मोहतमिम साहब ने जो नंबर लिख दिया है वही लिखना है, इसके अलावा का नंबर लिखना यूं फरमाया कि जुर्म शुमार हो। इसीलिए हमने देखा डाभेल में जब भी रात में आप खुले क्लास की लाइटें चल रही होती है बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम के वक्त में आप 4 बजे चले जाओ बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को आप 1 बजे चले जाओ बच्चे पढ़ रहे हैं, दरसगाहों की लाइट चल रही है, सुबह की नमाज के बाद आप नजारा देखो कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, पता है कि मैं फेल भी हो सकता हूं चाहे मैं कितना होशियार हूं मेरा 1 साल बिगड़ भी सकता है। नतीज का ऐलान होता है हजरत मुफ्ती महमूद साहब बाडोली दामत बरकातहू करते हैं, बच्चे इतना टेंशन में होते हैं आपस में ये बात चल रही होती है कि आज तो कयामत सुग्रा कायम हो गई, छोटी कयामत आ गई, आखिर तक ये पता नहीं चलता कौन बच्चा पास है या फेल है, एक टेंशन जरूर आता है। इतनी बात जरूर पता चलती है कि 70 बच्चे हैं, ऊपर जो इनाम पहुंचा है वो 60 का पहुंचा है, इसका मतलब 10 बच्चे फेल, जो पास हुआ उसको इनाम मिलेगा जो फेल हुआ उसको इनाम नहीं मिलेगा। सारे बच्चे टेंशन में होते हैं, होशियार होशियार बच्चे समझदार समझदार बच्चे टेंशन में होते हैं कि कहीं वो फेल होने वालों में हमारा नाम ना हो, और खुदा ना खास्ता जो 10 बच्चे फेल हुए होते हैं जब उनसे मुलाकात होती है और वो जब रोते हैं तड़पते हैं हम क्या बताएंगे हमारे अम्मी अब्बू को, अब क्लास के साथियों से हम अलग हो जाएंगे, हमें 1 साल बिगाड़ना पड़ेगा या तो डाभेल छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, और जिसने डाभेल में पढ़ाई कर ली हो जो गुजरात का देवबंद समझा जाता हो फिर वो बंदा डाभेल छोड़ के कहां जाए। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहू की सोहबत छोड़ के वो कहां जाए, ऐसे अल्लाह वालों की आमद छोड़ के वो कहां जाए। तो हमें बहुत अच्छी तरीके पर मालूम है कि 1 साल की कदर उनसे पूछो जो बेचारे फेल हो जाते और उनका साल बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे अजीजो ये जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी की कदर कब्रस्तान वालों से पूछो जो आज मर चुके हैं इंतकाल कर चुके हैं, उनकी फैमिली मौजूद है, उनके प्रॉपर्टी मौजूद है, उनकी दुकानें मौजूद है, उनके कारोबार मौजूद है, लेकिन एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज हो गए, एक एक रुपया सदका करने के मोहताज हो गए, एक एक पाई सवाब के मोहताज हो गए, उनके बच्चों के पास उनकी फैमिली के पास उनके घर वालों के पास अब वक्त नहीं है, घर की सफाई की जरूरत है और दुकान चलाने की जरूरत है, उनके बेटे मशगूल है, अपने बच्चों को अल्लाह का दीन सिखाया नहीं उन्हें दीनदार और नेक बनाया नहीं, आज उनके बच्चे उनको याद करने के लिए तैयार नहीं।
इसलिए फरमाया कि जिंदगी की कदर उनसे पूछो जो बेचारे कब्रस्तान में है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त की कदरदानी करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, के आना न होगा यहां बार बार। फरमाया अभी जो जिंदगी है, जो सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, नेकियों का मौसम चल रहा है, इसको गनीमत समझो। मैं और आप यहां बैठे हुए हैं, आजादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बड़ा तबका है यहां बैठे हुए लोगों में से, बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह ने बचाया, पैसों के टेंशन से अल्लाह ने बचाया, एसी वाले कमरे में अल्लाह मीठी नींद सुलाता है, दस्तरखान पर बहुत किस्म की नेमतें उनके सामने मौजूद होती है, उनके पास बाइक है, कार है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, घर वाले हैं, सारी नेमत है, और वो अस्पताल में भी नहीं है, वो आईसीयू रूम में भी नहीं है, वो जेल में भी नहीं है, वो परेशानी में भी नहीं है, वो हालात में भी नहीं है, वो तकलीफों में भी नहीं है, उनके आसपास कोई दुश्मन भी नहीं है, बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर भी अगर वो आखिरत की तैयारी न करें तो बहुत बड़े अफसोस की और बहुत खसारे की बात। वक्त का होना, सेहत का होना, फराकत का होना, ये अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें। और जो वक्त की कदर करता है, अल्लाह ताला उसे तरक्की अता फरमाते हैं, उसकी दुनिया भी बनती है, उसकी आखिरत भी बनती है, उसके वक्त में बरकत भी होती है। और जो वक्त की कदर नहीं करता ना, उसके वक्त में बरकत होती नहीं है। अभी लोग कहते हैं ना यार, मदरसे के बच्चों से कहते हैं, हमें भी लोग कहते थे, जुमेरात के दिन हम जब नवसारी आए तो हमें देखकर लोग कहे, अरे जुमेरात आ गया, पता ही नहीं चला हफ्ता कैसे गुजर गया, पूरा हफ्ता खत्म हो गया, जुमेरात का दिन आ गया, आपको देख के हमें तो पता चला जुमेरात आ गया, अभी तो गए थे अभी आए। अरे उसको पूछो जो बेचारा दाल चावल कड़ी कचड़ी खाता है, कैसे उसका वक्त कैसे गुजरता है, उसको कैसे जुमा की रात निकलती है, शनिचर का दिन कैसे आता है, सुबह क्लास में नींद आ रही हो वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल करता है, चार घंटे उस्ताद के सामने अदब से बैठता है, हम तो एक डेढ़ घंटा बयान में बैठते, वो चार घंटे उस्ताद आए उस्ताद चेंज हुए, उस्ताद आए उस्ताद चेंज हुए, उस्ताद आए उस्ताद चेंज हुए, फौरन खाना, अगर उस वक्त खाने पर ना जाए 15 मिनट लेट हो जाए तो उसको खाना नहीं, घर थोड़ी है उसका, खाने के बाद अभी थोड़े देर आराम करना, कितनी देर, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद उठाने के लिए आएंगे तो उठ जाना, अगर वो उस वक्त ना उठे तो बड़ा मसला है। और हर बंदा 5-10 मिनट पहले मस्जिद में चाहिए, सुन्नत पढ़नी, आप देखें तो हर जगह से जिक्र की आवाज आ रही होती है, हर बच्चे के हाथ में कुरान होता है, किसी की मजा नहीं क्या उसकी रकात चली जाए, वही पहले रकात जाने नहीं देगा, उसको पता है मैं 50 उस्तादों में से किस किस को जवाब दूंगा। अब नमाज के बाद 2:15 बजे 2:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, उस्ताद आ जाएंगे, ये 15 मिनट में करीब में होटल है वहां भी जाना है, चाय भी पीनी है, और ये 15 मिनट में 1000 में से 700 बच्चे चाय पिएंगे लाइन में खड़े रह करके, और फिर उन्हें अपनी क्लास में भी जाना है, और उस्ताद से पहले भी पहुंचना है, और पहुंचने के बाद फौरन पढ़ाई शुरू होगी, और ये 2 घंटे इनको पढ़ाई करनी है। ऐसे ही कोई आलिम बन जाता, उलमा ऐसे ही तैयार हो जाता, 9 साल ऐसे ही गुजर जाते मदरसे में। इनको पूछो एक एक दिन कैसे गुजरता है, हाँ इनको बड़ा सुकून बहुत होता है,
बहुत मजे वाली लाइफ होती है, इज्तिमा में अच्छा लगता है ना दो दिन, वो सब चीज उसके वक्त पर हो जाता है। इतने सब लोग है, सबको खाना भी मिल जाता है, चाय भी मिल जाती है, अल्लाह का एक निजाम है दीनी कामों में, पता चलता नहीं, किसी का काम रुकता नहीं, किसी को तकलीफ होती नहीं। अब असर के बाद बाहर जा रहा है, इसी में उसको गांव से दूध लाना है, मगरिब के बाद फौरन जैसे ही सुन्नत वगैरह पढ़ ली फौरन क्लास में, वरना मोहतरम सब बाहर आ जाएंगे, और क्लास में जा रहा है उस्ताद की निगरानी शुरू। अब कितनी देर पढ़ाई होगी का, दो घंटे, क्या करना है का, सुबह छह घंटे जो पढ़ाया ना उसकी तकरार कर ली। अब छुट्टी हो गई, अजान हो गई ईशा की, 20 मिनट के बाद नमाज खड़ी होगी, इसी में फारिग होना है, इसी में वुजू करना है, और नमाज खड़ी हो इससे पहले इसी में हजार बच्चों को पहुंचना है। अब नमाज हुई, सुन्नत पढ़ी, फित्र पढ़ी, पता चला कि कारी साहब चक्कर लगा रहे, कारी क्लास शुरू हो चुका है, अभी छुट्टी नहीं, अभी फौरन कारी क्लास में पढ़ना है, कुरान पढ़ना है पूरा घंटा। ये पौना घंटा खत्म हुआ, 10:30 बज गए, अब इसको सुबह जल्दी उठना भी है, लेकिन हमने देखा बच्चे आधा घंटे बाद फारिग होकर, अभी कोई उस्ताद नहीं आ रहा है, उसके बावजूद सारे बच्चे फिर क्लास में चले जाते और पढ़ते। आप देखो ना, कभी एक मरतबा आप दादा जी चले जाओ, मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, रात 12 बजे तक देखो क्या होता, कैसे होता, सब मदरसे में ऐसा ही होता है, लेकिन चूंकि हमने डाबेर में पढ़ा इसलिए हमें वहां का मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मदरसा आगे दूसरे मदरसे पीछे, ना ना ना, जहां अल्लाह के दीन की तालीम हो रही हो सब आगे। और जब हम जुमेरात को आए तो लोग हमें क्या कहते हैं, जुमा को, जुमेरात को पता ही नहीं चला, हफ्ता कहां गुजर गया। अरे पता आपको कैसे चलेगा, उनको पूछो जिनका मदरसे में हफ्ता गुजरा है, उनको पता चला है हफ्ता कैसे गुजरा। हमें पता चलता है पहले ही रोजे में एक दिन, बहुत अच्छी तरीके पर, जल्दी इफ्तारी का वक्त आता ही नहीं है, तो कैसा बरकती दिन हो जाता है। तो जब आदमी अल्लाह की तरफ आता है ना तो उसकी हर चीज में बरकत हो जाती है, और जहां बरकतें आती है टेंशन खत्म हो जाते हैं। आज सारी परेशानियां बेबरकती की है, पहले घर का एक आदमी कमाता था, 10-11 लोग आराम से खाते थे, आज घर के सारे लोग कमाते हैं फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, क्या बात है। फरमाया के बरकत नहीं, बरकत क्यों नहीं, फरमाया के नीयतें साफ नहीं, भाई भाई से खुश नहीं, बहन बहन से खुश नहीं, माँ बाप बच्चों से खुश नहीं, बच्चे माँ बाप से खुश नहीं, एक ही घर में सब एक दूसरे से दूर है, दिलों में दरारे हैं, नफरतें हैं, बरकत आवे कहां से। जहां नीयत में खोल होती है ना, बरकत दूसरे दरवाजे से बाहर चली जाती है। 10,000 कमाने वाले का भी पैसा नहीं बचता, और 1,00,000 कमाने वाले का भी पैसा नहीं बचता, और 10,00,000 कमाने वाले का भी पैसा नहीं बचता, और जिनके करोड़ों के शोरूम है उनका लाखों का व्यापारी को देने का कर्जा होता है, और उसका टेंशन सर पर सवार होता है। जब नियतों में खोट आती है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मशगूल कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, दुनिया के हवाले कर देते हैं, उसको फांस देते हैं। एक बच्चे ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा बरकत किसको कहते हैं, उसके वालिद साहब उसको घर के हमाम में ले गए और गीजर बताया और कहा बेटा 28 साल हो गए ये बिगड़ा नहीं, बंद हुआ नहीं, अभी तक गर्म पानी आ रहा है, इसको बरकत कहते हैं। डाबेर में एक उस्ताद के हम गए तो वो अपने किचन में ले गए, उनके पास गैस का मोटर था, मुझे बताया कि मौलाना साहब 6 महीने हो गए ये खत्म नहीं हुआ। मैं क्या बात करते हो, कैसे खत्म नहीं हुआ, आपके यहां इतने मेहमान आते हैं, मैं कई दफा तो आया, खत्म कैसे नहीं हुआ। बोले जो समझ में ना आवे उसी को तो बरकत कहते हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, इसको बरकत कहते हैं। बोला अच्छा, तेल का डिब्बा बताया, मुझे कहा अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने हुए ये भी खत्म नहीं हुआ, देखते नहीं है, अंदर से निकालते रहते हैं, बिस्मिल्लाह बोल के निकालते हैं, कहां से खत्म हो गया।
कितने लोग हैं उनको जब पैसे मिलते हैं बिस्मिल्ला बोल करके लेते हैं और यूं कहते हैं अल्लाह इन पैसों में बरकत डाल दे, अल्लाह उनके पैसों में बरकत डाल देता है। 5,000 में बरकत हो जाती है, 10,000 में बरकत हो जाती है। कितने लोग हैं महीने में लाखों रुपये कमाते हैं बिस्मिल्ला बोल के लेते नहीं और इससे ज्यादा की फिक्र में रहते हैं, अपने अल्लाह से खुश नहीं होते, उनके उन पैसों में बरकत नहीं होती। माएं बहनें सुन रही है, उनसे भी कहना चाहता हूं जब उनको खर्ची मिले तो बिस्मिल्ला बोल करके दे और इस दुआ ये दुआ करें कि अल्लाह इन पैसों में बरकतें डाल दीजिए, इंशाल्लाह बरकतें हमारे घरों पर राज करेंगे इंशाल्लाह। एक बादशाह का एक जगह से गुजर हो रहा था, पानी की प्यास लगी, एक शख्स का अनार का बाग था, कहा के जरा मुझे जूस पिला दो ना अनार का। बादशाह था ना, बाप ने अपनी बेटी से कहा बादशाह सलामत को अनार का जूस पिला दो। उसने एक अनार तोड़ा, उसको निचोड़ा, पूरा गिलास भर गया और बादशाह सलामत ने जूस पिया, बड़ा शानदार मजेदार पुर लुत्फ। बादशाह तो झूम गया कि यार मैं ये तो मेरी हुकूमत में ये बाग तो मेरा होना चाहिए था और इसका मालिक तो मैं होता और कम से कम टैक्स तो जरूर होना चाहिए था। इतना कीमती बाग और इतने कीमती अनार और इतना अच्छा जूस ये तो मेरी मिल्कियत में होना चाहिए था। बड़ा अच्छा है और एक ग्लास पिला दो। अब अनार को तोड़ा निचोड़ा ग्लास भरता नहीं, दूसरा अनार लाए उसको निचोड़ा दाड़म ग्लास भरता नहीं, तीसरा अनार को लाए निचोड़ा, तीन अनार तीन दाड़म का जूस निकाला तब जाके एक ग्लास भरा। बादशाह सलामत ने वो जूस पिया तो वो खट्टा था। उसने कहा कि दरख्त चेंज कर दिया है क्या? बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, उस जमाने की बच्चियां भी समझदार होती थी। बादशाह ने अपनी वो मालिक ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये बादशाह सलामत पूछ रहे हैं कि आपने कोई दरख्त चेंज कर दिया है क्या? खट्टा भी है और तीन अनार लेने पड़े। बेटी ने फौरन कहा अब्बू दरख्त तो चेंज नहीं किया है, ऐसा लगता है हमारे बादशाह सलामत की नीयत चेंज हो चुकी है। फौरन बादशाह ने तौबा की। इतना फर्क पड़ता है, एक ही दरख्त है, सिर्फ नियत में खोट आई, आगे पूरा मामला मुश्किल हो गया। अभी बयान चल रहा है, अगर ये अल्लाह के लिए हो तो कहां ले जाएगा इंसान को? अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ता, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए? और अगर यही बयान दिखलावे के लिए हो जाए तो इंसान को किस जगह पर ले जाएगा? अब ये बोलने से होता है, ये तो दिल के अंदर का फैल। बोलने वाला तो यही कहेगा मैं अल्लाह के लिए बोल रहा हूं, तो कयामत के दिन पता चलेगा किसके लिए बोलते थे और क्या था और क्या मकसद था। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ताला हमें भी इखलास अता फरमा दे। इखलास हुस्ने इलाही का वो ताज है कि जिसके सर पर ये हो समाने पे उसका राज। वक्त की कदर करना, इसलिए फरमाया जवानी की कदर बूढ़े लोगों से पूछो, जवानी कितनी कीमती नेमत है। मां बाप की कदर उनसे पूछो जिनके मां बाप दुनिया से चले गए, वो बताएंगे मां क्या चीज है और बाप क्या चीज है। गुज़िश्ता कल में एक जगह बयान के लिए गया, एक वाकया सुना, दिल मिल गया। उस वाकये की वजह से पूरा गांव रो रहा था। क्या हुआ? अभी 4-5 दिन पहले उस गांव में एक मुफ्ती साहब रहते हैं, अल्लाह वाले, वो किसी वजह से अफ्रीका गए थे। 32-33 साल की उम्र, उनके 3 बच्चे, लड़की 12 साल की, लड़का 8 साल का, एक लड़की 5 साल की। उनका एक मदरसा भी चलता है छोटा सा। उनकी अहलिया बड़ी खिदमत करती थी अपने बच्चों की, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कपड़े धो देती थी, उनका खाना बनाती थी। डिलीवरी का वक्त आया, मुफ्ती साहब तो वहां है, अम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ना शुरू हुई, मां की 30 साल की उम्र है, जवान है,
खतरा महसूस करने लगी कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। पहले बच्चों को तैयार कर दिया, उन्हें दूध बिस्किट खिला दिया, बच्चों को सुला दिया, बच्चों को तकलीफ ना हो। शोहर तो था नहीं, और जिसको भी कहे वो तो यही बात कहे ना कि भाई वो तो अय्याम हमल में तो तकलीफ होती है। ये समझ रही थी कि पहले भी तीन बच्चे हैं, ये तकलीफ किसी और वजह से हो रही है। उसके बाद वो आराम के लिए लेटी, जब वो आराम के लिए लेटी तो लोग बाहर निकल गए कमरे के, थोड़ी देर में आकर देखा तो इंतकाल हो गया। बच्चों को तो पता नहीं, मुफ्ती साहब को बताया ऐसा ऐसा हुआ। अब एक तरफ बीवी भी नहीं, इंतकाल हो गया, बच्चे छोटे छोटे हैं, मासूम से बच्चे हैं, वो भी बेचैन हो गए। एक आदमी कल मुझे कार में रखने के लिए आ रहा था, उसने कहा बोला ना मुझे फोन आया मुफ्ती साहब का 4:30 बजे और कहा कि अर्जुन मेरी मेरे बच्चे से बात करा। मैं भी बर्दाश्त तो नहीं कर सक रहा था, पूरा गांव रो रहा था, लेकिन मैंने उनके बेटे को उठाया नींद में से कि तेरे अब्बा तेरे से बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे। बोला ना उसने पता नहीं उसको क्या हुआ, वो तो सो गया था, उनको नहीं बताया था तुम्हारे अम्मी का इंतकाल हो गया। उठते ही वो पहला जुमला पूछता है, भाई ये बताओ पहले मेरी मां कहां है, ये बिस्तर में मेरी अम्मी नहीं है, हम अम्मी के साथ सोते हैं ना, हमारी अम्मी कहां है, वो तो रात में ही सोई थी। मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं पलट के मैं थोड़ी हिम्मत रखी, उसके अब्बू से बात कराई, फिर मशवरा हुआ, सुबह नमाज है जनाजे की, बच्चे हैं बताना तो है ही मां को, बाद में बताएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत समझाया बच्चों को और बच्चों को बताया, बहुत रोए बच्चे, बहुत तड़पे, नानी ने और बस्ती वालों ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। फिर कहा मनाना अब वक्त आया जनाजा उठाने, जनाजे में रख दिया था उनकी अम्मा को, हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, बेटी आई और वो जनाजे को पकड़ लिया और कहने लगी मेरी मां को लेके मत जाओ, बस एक ही बात, मेरे अम्मी को लेके कहां जा रहे, मेरे तो अब्बा भी बाहर है, तुम ये मेरी मां को कहां ले जा रहे, मेरे अम्मी को मत ले जाओ। 8 साल का बच्चा तो रो रहा है, तड़प रहा है, वो 5 साल की बच्ची रो रही है, तड़प रही है। मुफ्ती साहब के भाई भी नहीं थे, वो अल्लाह के रास्ते में थे, उन्होंने भी कहा कि मैं आ नहीं सकता हूं, आप दफना दीजिए। मुफ्ती साहब ने भी कहा अर्जेंट फ्लाइट मिल नहीं सकती, दफना दी। हमें क्या पता दुनिया में लोग कैसे कैसे तकलीफ है, और आजकल उन बच्चों की रातें कैसी गुजरती होगी। मौलाना वो दिन तो गुजर गया, 3 दिन के बाद मुफ्ती साहब को फ्लाइट मिली और वो आए, पता चला कि बच्चे नानी के घर में है। वो आके फौरन बच्चों को मुलाकात के लिए गए। उस वक्त गांव के लोग जमा थे, उस वक्त जो कैफियत हो गई बोले गांव वालों की, अब्बा भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं अपनी मां को याद करके। और हम समझते हैं कि हम परेशान, तनिक फोन समझ में आता, क्यों अल्लाह की तरफ नहीं आते, क्यों हमारे पास कुरान के लिए वक्त नहीं है, जिक्र के लिए वक्त नहीं है, ये जिंदगी बेवफा है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद की, ये गर्दन को झुका मुराक्बा कर लीजिए, अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद कर दें, अल्लाह देख रहे हैं हमें, अपने लिए न सही उन बच्चों के लिए दुआ सुबह दो अल्लाह के सामने, अल्लाह उन बच्चों के नसीबे बुलंद करे, उनको मां का सबर दे,
यहाँ तो जिनके माँ बाप मौजूद है वो सामने बोलते हैं, मुकाबला करते हैं, उन्हें माँ बाप समझ में नहीं आते हैं, उनके ऐप देखते हैं, उनकी गलतियों को देखते हैं, यूं करते हैं, हमारे अम्मी यूं करते हैं, हमारे अब्बू यूं करते हैं। जब उनका जनाजा उठेगा तब पता चलेगा क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कौन कष्ट में था, तेरे अंदर समझ ज्यादा थी या तेरे बाप के अंदर समझ ज्यादा, तुझे अब्बा ज्यादा समझ में आए या दोस्त लोग ज्यादा समझ में आए, वो वक्त बताए। वही आदमी कल मुझे कह रहा था, पुराना अरबों रुपये हो ना मां ना हो तो घर में बेचैनी लगती है, वो घर खाली खाली लगता है, जितना बड़ा घर हो ऐसा लगता है वो घर काटने तो होता है, मां वो नेमत है। जिन्होंने अपनी मां को कफन में देखा, जिन्हें अपनी मां की इंतकाल की खबर आई, उनको पूछो उन पर क्या बिजली की तरह वो बात बरसी, बंदा अपनी सारी नेमतों को भूल जाता है। और आज थोड़ा सा मां बाप बोल दे बच्चा इमोशनल हो जाता है, क्यों अपने आप को समझदार समझता है, अपने आप को हक पर समझता है। गया 9 महीने मां ने क्या तकलीफें उठाई, अब्बा बार बार अस्पताल ले जाते रहे, दुनिया में आए अब्बा ने किस खुशी का इजहार किया, कितनी मरतबा गोद में उठाया। आज जब इसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप ने क्या कुछ किया होगा। आज तो बच्चे रोते हैं तो मोबाइल दे देते हैं, उन दिनों जब मोबाइल भी नहीं था। गुदिश्ता कल जब बयान खत्म हुआ मुफ्ती साहब आए मेरे पास, मुझे कहा मौलाना मेरी अहलिया के लिए दुआ करना है, तो मेरी एक छोटी बच्ची है 5 साल की उसके लिए भी दुआ कर, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना उसके लिए भी दुआ कर। जाहिर बात है उसको माँ की याद ज्यादा आती है, इंसान का शुक्रा हो जाए सब बोल जाता है रब ने कितनी नेमतें दी, क्या पहाड़ों में रखा, क्या अच्छी मीठी नींद, क्या अच्छा खाना, क्या अच्छे कपड़े, क्या अच्छी बाइक, क्या अच्छा मोबाइल, क्या अच्छी खूबसूरती, सब दिया। उसके बावजूद इसके पास रात के आखिरी पहर में अपने अल्लाह के लिए वक्त नहीं, जब मतलब पहले आसमान पर आते अपने बंदों को नवाजने के लिए आते हैं, उस वक्त लोग मीठी नहीं सो रहे। कब्रस्तान वालों से पूछो रात की आखिरी पहर की क्या है, बिजी लोग हैं, मशगूल लोग हैं, हमें नींद आती है। मेरे अजीज सारे अल्लाह वाले रातों को उठ जाते हैं, हमसे ज्यादा नेक, हमसे ज्यादा फरमाबरदार, हमसे अच्छी नमाज पढ़ने वाले, गुनाहों से बचने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, वो रात को 3:30 बजे उठ जाते हैं और हम पूरे दिन के गुजरेगा एक 2 रकात पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त का। La ilaha illallah.
के जो पेट में अल्लाह को याद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह को नजर करम फरमाए और हमारा दिल कहीं और हम कुछ और ख्यालों में سارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پیارے رب کا نام کافی ہے. اس طرح کے زبان دل پورا بدن اللہ اللہ کے ہاتھ ہے. مرتبہ آواز سے طلب سے ایک مشق ہے اللہ کو یاد کرنے کی. اللہ یہاں موجود ہے, میں عرش کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, اللہ سن رہے ہیں, مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے آج مجھے پکار رہے ہیں, ان کے پاس وقت ہے مجھے یاد کرنے کے لیے. مستورات آہستہ سے پڑھیں, صرف زبان نہیں پورا دل پورا بدن. उसने
जनाजे के वो कंधे देने की जगह को पकड़ दिया, मैं अपनी मां को भी ले जाने दूंगी। लेकिन किसी तरह उसको समझाया, बताया कि अम्मा का इंतकाल हो गया है और जनाजा ले गए। मुझे कहने लगे पुराना उनका बेटा तो पूरा अब हो गया था, बहुत रो रहा था। तो तीन दिन जब तक उनके अब्बू नहीं आए, बच्चे सोने नहीं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, खाना खाने को तैयार नहीं। एक ही चीज हमें हमारी माँ चाहिए, अपनी अपनी जुबान पर अल्लाह से दुआ। برحمتك يا أرحم الراحمين.